सरकार ने संसद में बताया, बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा देने का प्रस्ताव नहीं। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है। इस पर भी वित्त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया। बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी विधेयक क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने जा रही है। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो गया है और क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी पर सरकार ने अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। सत्र के पहले दिन क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है और क्या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी अनुमति मिली है। वित्त मंत्री की ओर से सदन में इसका लिखित जवाब देते हुए इनकार किया गया। जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है। इस पर भी वित्त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया और बताया कि सरकार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करती। सत्र के दौरान सरकार की ओर से एक और अहम प्रस्ताव की जानकारी दी गई। एक लिखित बयान में बताया गया कि सरकार को अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिजिटल करेंसी को लेकर एक अहम प्रस्ताव मिला था। सरकार के मुताबिक रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए, यानी डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की तरह देखा जाए। इसके लिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सरकार की ओर जानकारी दी गई है कि RBI ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का प्रस्ताव रखा था। CBDC मुख्य रूप से ट्रेडिशनल करेंसी का डिजिटल रूप है, यानी यह डिजिटल रुपया ही है। बीते दिनों ही यह खबर आई थी कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बिल लाने जा रही है, जिसमें कुछ अपवादों के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन लगाने की तैयारी है। बिल को लेकर सामने आए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यह बिल कुछ अपवादों के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात करता है। हालांकि डॉक्यूमेंट में इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार किन अपवादों की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही यह खबर भी आई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी का अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पायलट लॉन्च किया जा सकता है।